Bismillah ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel, yani ke Pakistan Foundation Fighting Blindness and Blindness Abil Fizada. So well, एक क्यूरी जो है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि हम बालों को स्ट्रेट कैसे करें, कौन सा स्ट्रेटनर यूज करना चाहिए और क्या क्या टेक्निक यूज करने चाहिए. सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए ऑटोमेटिक स्ट्रेटनर, ठीक है. अब तो इसमें और भी बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन आपने ऑटोमेटिक स्ट्रेटनर लेना है ताकि आपको जो है वो जैसे ही गर्म हो जाए तो आपने इसको फौरन से जो है ताकि वो अपने नॉर्मल उस पे आ जाए. अब करना बहुत आसान है, आप बालों की बना लेंगे पार्टीशन. सबसे पहले बॉयज को मैं आपको बताऊंगी कि बॉयज स्ट्रेट नहीं करते बालों को. अगर आपको शौक है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए. गर्ल्स दिस इज स्पेशली फॉर यू. हाँ बॉयज, आप ये कर सकते हैं कि आप घर में किसी को करना चाह रहे हैं या आपका कोई ऐसा आइडिया है कुछ करने का तो आप कर सकते हैं. आप चाहें तो डिफरेंट तरीकों से जो है बालों को छोटे छोटे कैचेस लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें ऐसा जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट करते हैं इन दिस वे और इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके आते हैं जैसे हम बाल कपड़ों को इससे करते हैं, बिल्कुल आराम से, ठीक है. ये सबसे एंड तक हम इस तरह से लेके आते हैं, वेरी इजी. पहले एक दफा करना है और फिर आपने दूसरी दफा, ठीक है. ये हो गया. अब हम सेकंड साइड पर जाएंगे और हमने इसी तरह से बालों की लॉक ले लेनी है, यानी कि बालों की लट लेनी है और उसको आपने हाथ में पकड़ के, लट को हाथ में जरूर पकड़ना है. अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि स्ट्रेटनर के ऊपर हाथ मत मार दीजिएगा. इस चीज का बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है, ठीक है, कि जब भी आप स्ट्रेट करें या जब भी चीज करें तो पहले आप उसको चला लें. आपको स्मेल से ही अंदाजा हो जाएगा कि स्ट्रेटनर आपका गर्म हो चुका है, ठीक है. अब मैंने इन्हीं बालों को जो किया था इनको मैंने दोबारा से इकट्ठे कर दिए. अच्छा, अगर हम चाहें तो बिल्कुल भी नीचे से फोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट भी कर सकते हैं. नाउ इट्स अप टू यू, ठीक है. सेम एज ये वाली चीज हो गई. अब मैं आगे से आपको करके दिखा रही हूँ कि अगर हमें आगे से बाल करने हैं तो आगे से हम किस तरह से करेंगे अपने बालों को स्ट्रेट. ये मैंने आगे वाली लॉक पकड़ी और ये मैंने इसको करती चली गई. ये देखें इस तरह से ये सारे के सारे बाल आपके बहुत अच्छे से होते जाएंगे. चलिए जी, आपको कंप्लीट करके फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में. ओके जी, अब ये देखेंगे मैंने पीछे से दो पार्टीशन कर ली थी, ठीक है. अब मोस्टली ये होता है कि यहाँ से आपके बाल जो है पीछे से ये थोड़े से आपको लगता है ओहो हाथ लगा के पीछे वाले स्ट्रेट नहीं हुए, तो आपने गर्दन के पास से पकड़ते चले जाना है और इन दिस वे, यानी कि ऊपर से नीचे लेके आना है. कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. अच्छा, नॉर्मली जो है बहुत सारे लोग सीरम भी यूज करते हैं ताकि बाल जो है ना आपके खराब ना हो जाए, ठीक है. ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन मैं आपसे अपनी बात बताऊं, मैं स्ट्रेटनर के बहुत खराब हूँ. क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कुछ भी है ये आपके बालों को डेड कर रहा है. बट इन द फैशन मैनर्स बहुत सारे बच्चों को शौक भी है, तो शौक की बेस पे आप लोगों को ये चीज सिखाई जरूर जा रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपने अपनी लाइफ में कम से कम करना है. अदरवाइज इसका नतीजा आपको ये निकलेगा कि बहुत जल्द जो है ना आपके बाल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे. सो दैट वाज द रीजन कि जिसकी वजह से मुझे ये चीज जो है इतनी पसंद नहीं है. और मैं आपको अपना वाकया भी शेयर करती चलूँ कि जिन दिनों में बिकन हाउस में होती थी तो हम इस तरह के बहुत सारे आर्टिफिशियल गैजेट्स यूज करते थे जिसमें हमने बालों को स्ट्रेट करना है, सीरम लगाना है, ठीक है, बालों को हमने फ्रेश लुक देनी है. लेकिन उस सालों का नतीजा ये निकला कि मुझे अपने बाल तकरीबन मतलब शोल्डर से भी ऊपर ऊपर कटवाने पड़ गए. रीजन क्या रही? क्योंकि कुछ भी है ये बिजली आपके बालों को लग रही है. जैसे कि हम कपड़े इस्त्री कर रहे हैं ना तो एक डायरेक्ट वेव निकल रही है, तो ये भी ऐसा ही है. अगर आप सिंपल अपने बालों में अच्छा ऑयलिंग करें बालों को, ठीक है, और अच्छे तरीके से जो है आप मतलब शैम्पू करें जो हमने आपको बनाने सिखाए, तो कभी भी आपको ऐसा मसला नहीं होगा. तो वेल, एक दफा फिर लास्ट में मैंने ये ऊपर से फेर लिया और ये अब मैं कंघा करके देख लेती हूँ कि ये देखने में कैसे लग रहे. सो ये देखें, ये कंप्लीट हो गए. हार्डली आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं जिसमें आप अपने आसानी से कर सकते हैं. इसके फौरन बाद ही हम करेंगे अपना ये बल और जनाब हमारा हो गया सेशन एंड. तो आप बताइएगा कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा और जरूर अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, अपनी राय जरूर शेयर करें कि आप इन फ्यूचर क्या सीखना चाहते हैं. एंड मैं सिर्फ आपको यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं खूबसूरत दिल की जरूरत होती है. अल्लाह के बाद.